hello everyone welcome to for nurses preparation youtube channel i am niraj kumar kathal today is 24 february 2022 and today's important mcqs for upcoming nursing recruitment exams are first question what is the name of the process by which cervix become थिन एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ यूट्रस आपको बताना है कि लेबर के दौरान जब यूट्रस का नेक वाला पार्ट यानी सर्विक्स बिल्कुल थिन हो जाए और यूट्रस की बॉडी से अलग हो जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है ऑप्शन ए डायलेशन ऑप्शन बी Attitude, option C, effacement, option D, transition. The right answer is option C. It is called effacement. The thinning and shortening of cervix is called effacement. यूट्रस का नेक वाला पार्ट यानी सर्विक्स इसका नॉर्मल लेंथ टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर करीब होता है इसका लेबर प्रोसेस के दौरान थिन होना और शॉर्ट होना एफेसमेंट के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन नंबर टू अक्लाइंट इज गोइंग टू कीमोथेरेपी फॉर कॉलोन कैंसर the nurse administers an antiemetic medication 30 minutes before treatment as ordered by physician antiemetic drugs are used to हम सभी जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी देने से लगभग 30 मिनट पहले पेशेंट को एंटीएमेटिक मेडिसिंस दी जाती हैं आपको यहाँ पर बताना है कि ये एंटी एमेटिक मेडिसिन क्यों दी जाती हैं इसका क्या पर्पस होता है ऑप्शन ए प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसरस सेल्स ये कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं ऑप्शन बी इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग ये मेडिसिन कीमोथेरेपी ड्रग का प्रभाव बढ़ा देती हैं ऑप्शन सी प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग नॉजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करती है या फिर ऑप्शन डी सीडेट द क्लाइंट यह क्लाइंट को सीडेट करती है द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिंपल क्वेश्चन है एंटी एमेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है किया जाता है जनरली कीमोथेरेपी के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिंस हमारे बॉडी में मौजूद ब्रेन में मौजूद वामिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं जिसकी वजह से पर्सन को नोज़िया वामिटिंग फील होता है इन मेडिसिंस को अगर पहले दे दिया जाता है एंटी एमेटिक्स को तो पर्सन में ये फाइंडिंग्स नहीं देखी जाती क्वेश्चन नंबर थ्री अ क्लाइंट हु हैज़ ब्रेस्ट कैंसर हैड पोस्ट लम्पेक्टोमी कीमोथेरेपी एंड इज नाउ शेड्यूल्ड फॉर रेडिएशन ऑन एन आउट पेशेंट बेसिस वॉट इज एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल द क्लाइंट रिसिविंग रेडिएशन थैरेपी देखिएगा एक पेशेंट जिसे ब्रेस्ट कैंसर है इस ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट में लम्पेक्टोमी सर्जरी की गई लंपेक्टोमी का मतलब होता है ब्रेस्ट में मौजूद कैंसरस सेल या कैंसर की गांठ को रिमूव करना इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जा रही थी और अब इस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है एज अ नर्स आपको जब इस पेशेंट को कीमो रेडिएशन uh, थेरेपी दी जा रही हो कौन सा इंटरवेंशन सबसे इम्पोर्टेंटली करना चाहिए आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन वन असेस द रेडिएटेड साइट डेली फॉर रेडनेस और इरिटेशन हम इस पेशेंट में जिस जगह पर रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है उस साइट को रोज असेस करेंगे चेक करेंगे कि वहां पर कहीं रेडनेस या किसी प्रकार की इरिटेशन तो नहीं ऑप्शन टू रिंस द रेडिएशन साइड विथ एन एंटी बैक्टीरियल सॉल्यूशन आफ्टर ईच ट्रीटमेंट जब भी इस पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जाए तुरंत थेरेपी के बाद आप इस साइट पर एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन द्वारा वॉशिंग करेंगे ऑप्शन थ्री इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अप्लाई लोशन टाइस डेली टू स्किन ऑन द रेडिएटेड एरिया आप इस पेशेंट से कहेंगे कि रेडिएशन थेरेपी के बाद दिन में दो बार आपको उस साइट पर लोशन अप्लाई करना है द राइट आंसर इज ऑप्शन वन अस द रेडिएटेड साइट डेली फॉर रेडनेस और इरिटेशन। जब भी हम किसी पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी देते हैं तो उसमें पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पर हाई बीम की एक्स रेस डाली जाती हैं ये एक्स रे वहाँ मौजूद कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं रेडिएशन थेरेपी के बाद पर्सन की स्किन को हमें लगातार असेस करते रहना चाहिए कि इस रेडिएशन की वजह से कहीं उस एरिया की स्किन तो डैमेज नहीं हो गई है सो so, इसके लिए हमें कंटिन्यूसली वहां पर मौजूद रेडनेस या इरिटेशन को आइडेंटिफाई करना चाहिए ऑप्शन टू को इसलिए इनकरेक्ट माना है क्योंकि जब भी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उस पर्टिकुलर एरिया को सिर्फ और सिर्फ वाटर से क्लीन करते हैं वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी सब्सटेंस अप्लाई नहीं किया जाता अगर आप इस रेडिएशन साइट पर लोशन अप्लाई करते हैं तो लोशन में मौजूद सब्सटेंस के कारण एस एक्स रेस की जो डायरेक्शन है वो बदल सकती है ट्रीटमेंट प्रभावित हो सकता है तो हम कभी भी पेशेंट को रेडिएशन साइट पे किसी भी प्रकार का लोशन अप्लाई करने की सलाह नहीं देते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय बहुत ही बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट हम किस डिवाइस से करते हैं नैनोमीटर से स्माइगमोमैनोमीटर से बैरोमीटर से या फिर कैलोरीमीटर से द राइट आंसर इज ऑप्शन बी याद रखिएगा बीपी इंस्ट्रूमेंट को आप स्पाइग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं स्पाइग्मोमेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर आइए बात करते हैं कि नैनोमीटर क्या है नैनोमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम इक्वल टू वन बिलियंथ ऑफ मीटर हम सभी जानते हैं कि एक मीटर जो होता है वो अराउंड हंड्रेड सेंटीमीटर के इक्वल्स होता है और इस एक मीटर का यदि एक बिलियंथ पार्ट कर दिया जाए तो उसे आप नैनो मीटर के नाम से जानते हैं आप इसे वन इस टू टेंस पावर माइनस नाइन मीटर भी कह सकते हैं यह सिंपली कहा जाए तो लंबाई को मापने की एक यूनिट है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया डिवाइस था कैलोरी मीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इन अकेमिकल रिएक्शन और बाय एनिमल बॉडी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन किसी भी जगह हुई केमिकल रिएक्शन के कारण कितनी हीट का एक्सचेंज हुआ हीट का प्रोडक्शन हुआ इस चीज को मापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसे आप कैलोरी मीटर के नाम से जानते हैं नेक्स्ट आता है बैरोग्राफ या बैरोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है बैरोमीटर और बैरोग्राफ इज़ अ डिवाइस यूज टू मीजर और रिकॉर्ड चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आने वाले चेंजेस को मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे आप बैरोमीटर के नाम से जानते हैं हमारे बॉडी में नेफ्रॉन्स के आसपास भी बैरो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि बॉडी में हो रहे ब्लड प्रेशर के चेंजेस को आइडेंटिफाई करके इसे काउंटर करने के लिए बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देने में हेल्प देते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव अंडर विच सर्कमस्टेंसेस मे अ नर्स कम्युनिकेट मेडिकल इंफॉर्मेशन विदाउट क्लाइंट्स कंसेंट देखिएगा हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट की क्लाइंट के द्वारा दिया गया सभी डाटा या इंफॉर्मेशन हम कॉन्फिडेंशियल रखें किसी और के साथ शेयर नहीं करें लेकिन किन परिस्थितियों में किन सिचुएशंस में हम क्लाइंट के द्वारा दी गई डाटा को शेयर किया जा सकता है बिना क्लाइंट से अनुमति लिए ऑप्शन वन व्हेन सर्टिफाइंग सर्टिफाइंग द क्लाइंट्स एबसेंस फ्रॉम वर्क जब आप यह निश्चित कर रहे हो कि क्लाइंट अपने जॉब प्लेस पर नहीं है ऑप्शन टू वैन रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट्स फैमिली जब क्लाइंट की फैमिली मेंबर्स इसके बारे में जानना चाहते हो ऑप्शन थ्री वेन ट्रीटिंग क्लाइंट विथ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जब आप किसी ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो या फिर ऑप्शन डी व्हेन ऑर्डर्ड बाय अनदर फिजिशियन जब किसी दूसरे डॉक्टर का ऑर्डर हो किस सिचुएशन में आप क्लाइंट की जानकारी किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन थ्री वैन ट्रीटिंग द क्लाइंट्स विद सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आइए रैशनल जान लेते हैं इसके पीछे सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कम्युनिकेबल डिजीज दैट मस्ट बी रिपोर्टेड द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग डिजीजेज टू अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ एजेंसी एंड टू अदरवाइज मेंटेन द क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी हम एज नर्स क्लाइंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन या डाटा को सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में किसी रिस्पॉन्सिबल या अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ एजेंसी के साथ शेयर कर सकते हैं जब क्लाइंट किसी ऐसी डिजीज़ कंडीशन से प्रभावित हो जिसमें यह डिज़ीज़ दूसरे लोगों को ट्रांसमिट हो सकती है जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी कंडीशन है जो पर्सन से पेशेंट से दूसरे लोगों तक फैल सकती है और इस चीज़ की जानकारी हमें ऑथोराइज पब्लिक हेल्थ एजेंसी को देना आवश्यक है सो so हम यहाँ पर इस कम्युनिकेबल टाइप के डिजीज़ की इंफॉर्मेशन बिना क्लाइंट से परमिशन लिए सरकारी एजेंसी के साथ साझा कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन The client is admitted to the outpatient surgery center for bronchoscopy to rule out cancer of the lungs. Which information should the nurse provide to the client? किसी person में लंग कैंसर है या नहीं इसे कन्फर्म करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर किया जाने वाला है। एज अ नर्स आप इस पेशेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन इस प्रोसीजर के रिगार्डिंग देना चाहेंगे आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट ब्रेकफास्ट बिफोर नाइन आवर्स प्रोसीजर आप इस पेशेंट से कहेंगे कि इस प्रोसीजर होने से छ नौ घंटे पहले आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या आप इस पेशेंट से कहेंगे कैथेटर विल बी इंसर्टेड इन टू द ग्रोइंग एंड डाई इंस्टेल आप इस पेशेंट को बताएंगे कि ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर में हम आपके ग्रोइंग एरिया के अंदर कैथेटर इंस्टेल करके डाई इंजेक्ट करेंगे या फिर आप कहेंगे कि अ लिटिल डिस्कम्फर्ट में अकर ड्यूरिंग द प्रोसीजर इस प्रोसीजर में आपको कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है ऑप्शन डी टेल द क्लाइंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन डू अप्सी ऑफ ट्यूमर थ्रू द स्कोप आप इस पेशेंट को बताएंगे कि जब आपकी ब्रोंकोस्कोपी हो रही होगी तो आपके लंग्स एरिया में मौजूद ट्यूमर से डॉक्टर के द्वारा एक लिटिल टिश्यू सैंपल लिया जा सकता है यानि बायोप्सी की जा सकती है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट द राइट आंसर इज ऑप्शन डी हम इस पेशेंट से कहेंगे कि ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर के दौरान आपके टिश्यू से सैंपल लिया जा सकता है यानी बायोप्सी की जा सकती है द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसर्ट ब्रोंकोस्कोप थ्रू द माउथ इनटू द क्लाइंट्स लंग्स टू ऑप्टेन अ बायोप्सी ऑफ सस्पिशियस टिश्यू पेशेंट के फेफड़ों में जिस जगह पर सस्पिशियस टिश्यू मौजूद है यानी ट्यूमर मौजूद है गांठ मौजूद है उस जगह से मुंह के रस्ते ब्रोंकोस्कोप को डालकर उस टिश्यू का सैंपल लिया जा सकता है क्लाइंट हैव नथिंग बाय माउथ प्रियर टू प्रोसीजर एंड सीडेटिव सीडेट थ्रू आउट द प्रोसीजर सो देयर इज नो डिस्कम्फर्ट जब भी ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर की जाती है तो हम कभी भी पेशेंट को इस प्रोसीजर से पहले कुछ भी खाने या पीने के लिए अलाउ नहीं करते साथ ही साथ इस पूरे प्रोसीजर में हम पेशेंट को सीडेटिव दे देते हैं ताकि उसे किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी फील ना हो सके सो इस प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है क्वेश्चन नंबर सेवन अ ट्वेंटी फोर ईयर्स ओल्ड फीमेल क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर सर्जरी इन द मॉर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स किसी चौबीस साल की फीमेल में मॉर्निंग में कोई ऑपरेशन होना है सर्जरी होनी है इस क्लाइंट के लिए नर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी उसे आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन ए टेकिंग वाइटल साइंस आप इसके वाइटल साइंस चेक करेंगे ऑप्शन बी ऑप्टेनिंग परमिट हम इस पेशेंट से परमिट लेंगे परमिशन लेंगे कंसेंट लेंगे या फिर ऑप्शन सी एक्सप्लेन द प्रोसीजर हम इस पेशेंट को समझाएंगे कि आप में कौन सी सर्जरी की जा रही है क्यों की जा रही है या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबाउ द राइट आंसर इज ऑप्शन ए देखिएगा किसी भी सर्जरी से पहले नर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पेशेंट के सभी वाइटल साइंस का असेसमेंट किया जाए अगर वाइटल्स नॉर्मल है यानी पी आर बी नॉर्मल है तभी पेशेंट को हम आगे ओ की तरफ शिफ्ट करते हैं सो यहां पर एज अ नर्स प्रायोरिटी रहेगी वाइटल साइंस का असेसमेंट। इसके अलावा प्रोसीजर कैसे होगा सर्जरी कैसे होगी और इससे रिगार्डिंग परमिशन या कंसेंट लेने की जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है सर्जन की होती है क्वेश्चन नंबर एट विच इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर अगर किसी क्लाइंट को लंग कैंसर है तो इस कैंसर के किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा फैलने की संभावना है यानी लंग कैंसर सबसे ज्यादा मेटास्टेसिस किस ऑर्गन में होता है ऑप्शन ए किडनी में स्टमक में लीवर में या स्प्लीन में द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लंग कैंसर मेटास्टाइसिस मैक्सिमम इन लीवर लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर एंड एड्रीनल ग्लैंड्स एंड बोन्स देन अदर ऑर्गन फेफड़ों में हुआ कैंसर ब्लड के द्वारा सबसे ज्यादा फैलता है यानी मेटास्टाइसाइज़ होता है और लंग कैंसर सबसे ज्यादा 34.3 परसेंट लीवर में ट्रांसमिट हो सकता है और सेकंड नंबर पे लंग कैंसर एड्रिनल ग्लैंड्स को प्रभावित करता है जो कि 32.6 परसेंट है एडिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर पाई जाने वाली इंपॉर्टेंट ग्लैंड है इसके बाद लंग कैंसर का ट्रांसमिशन थर्ड नंबर पर फोर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट बोन्स में होता है आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नाइन ड्यूरिंग प्लस टू स्टेशन द पोजीशन ऑफ फीटल हेड इज आपको बताना है कि अगर लेबर प्रोसेस के दौरान प्लस टू स्टेशन लिखा हो तो एग्जैक्टली फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट यानी फीटल हेड की लोकेशन क्या होगी किस जगह पर फीटल हेड मौजूद होगा प्लस टू स्टेशन पर आपके ऑप्शन हैं बिलो इसल स्पाइन स्च्चियल स्पाइन से नीचे ऑप्शन बी बिहाइंड इस्चियल स्पाइन इस स्पाइन Spine के पीछे ऑप्शन सी से ऊपर या फिर ऑप्शन डी जस्ट अबो द पेल्विक इनलेट पेल्विक इनलेट से जस्ट ऊपर What is द exact लोकेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट एट प्लस टू स्टेशन राइट आंसर right is ऑप्शन ए प्लस two स्टेशन पर फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट यानी हेड ischial स्पाइन को क्रॉस कर जाएगा यानी बिलो ischial स्पाइन होगा आइए एग्जैक्टली exactly जान लेते हैं कि स्टेशन शब्द का क्या मीनिंग है और यहां पर प्लस माइनस या जीरो स्टेशन का क्या मीनिंग होता है कैसे इसे डिटरमाइन किया जा सकता है स्टेशन इट इज मेजरमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट इन सेंटीमीटर बिलो और अब मिड प्लेन फ्रॉम द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द स्पाइन। देखिएगा, डिलीवरी के दौरान बच्चे की बॉडी का वह पार्ट जो सबसे आगे होता है उसे आप प्रेजेंटिंग पार्ट के नाम से जानते हैं और यूजली बच्चे का हेड पार्ट ही प्रेजेंटिंग पार्ट कहलाता है मदर के पेल्विक एरिया में मौजूद स्पाइन तक यह पहुंचा है या नहीं इस सिचुएशन के हिसाब से प्लस और माइनस रेटिंग दी जाती है आइए इसे और समझ लें देखिएगा यह है इसलिए स्पाइन वाला एरिया अगर बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट यानी बच्चे का सर ईशियल स्पाइन तक नहीं पहुंचा है तो इसे माइनस कहेंगे आप जब बच्चे का हेड इसल स्पाइन को पार करके आगे निकल जाता है तो फिर इसे आप प्लस से डिनोट करते हैं मान लीजिए बच्चे का हेड इसल स्पाइन से एक सेंटीमीटर दूर है तो आप कहेंगे कि माइनस वन स्टेशन अगर दो सेंटीमीटर दूर है तो आप कहेंगे माइनस टू स्टेशन और अगर तीन सेंटीमीटर दूर हो तो आप कहेंगे माइनस थ्री स्टेशन अब मान लीजिए बच्चे का हेड इस इसल स्पाइन एरिया पर पहुंच गया है तो आप कहेंगे ये है स्टेशन जीरो यानी कि बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट अब इस स्पाइन पर मौजूद है जैसे ही बच्चे का सर इस स्ल स्पाइन को पार करके नीचे बढ़ता है डिसेंट होता है, आगे बढ़ता है तो आप कहेंगे प्लस स्टेशन। सेंटीमीटर आगे बढ़ते ही बच्चा प्लस वन स्टेशन पर आ जाता है हम इस सिचुएशन में कहेंगे कि बच्चा नीचे खिसक गया है बिलो स्टेशन पर आ गया है और दो सेंटीमीटर आगे निकलने पर डिसेंट होने पर इसे कहा जाता है प्लस टू स्टेशन जो कि आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था टोटल अगर आपसे बात की जाए तो माइनस फाइव सेंटीमीटर यानी माइनस फाइव स्टेशन से लेकर प्लस फाइव सेंटीमीटर या प्लस फाइव स्टेशन तक आप इसे बता सकते हैं होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि स्टेशन जीरो क्या है प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है माइनस स्टेशन क्या है प्लस स्टेशन क्या है यहां पर आपको इसल स्पाइन वर्ड को याद रखना जरूरी है स्पाइन से कितना ऊपर है माइनस में लिखा जाएगा इसे क्रॉस करने के बाद कितना नीचे है प्लस में लिखा जाएगा आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर टेन एप्सिल्यूट ग्लूकोमा इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट इन आपको बताना है कि एप्सोल्यूट ग्लूकोमा कंडीशन में क्या होता है ऑप्शन ए डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, रेटिना अपनी जगह से हट जाता है डिटैच हो जाता है उखड़ जाता है ऑप्शन बी हाइपरट्रॉपी ऑफ कंजक्टिवा पेशेंट की आईज़ की कंजक्टिवा में हाइपरट्रॉपी हो जाती है यानी वहाँ की सेल्स का साइज बढ़ जाता है ऑप्शन सी सीवियर पेन एंड लॉस ऑफ विजन एब्सोल्यूट ग्लूकोमा में क्या सीवियर पेन के साथ पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है लॉस ऑफ विजन हो जाता है या फिर ऑप्शन डी टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन कुछ समय के लिए पेशेंट का विजन लॉस होता है वॉट इज द एक्चुअल फाइंडिंग दैट यू विल सी इन अ पेशेंट विथ एब्सोल्यूट ग्लूकोमा कंडीशन राइट आंसर इज ऑप्शन सी एब्सोल्यूट ग्लूकोमा कंडीशन के अंदर पेशेंट को सीवियर आई पेन होता है बहुत ही ज्यादा बहुत ही तेज उसके बाद अचानक से कंप्लीट विजन लॉस हो जाता है आइए इसके बारे में और जान लें एब्सोल्यूट ग्लूकोमा इज अ एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा इन विच आई इज कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड हार्ड एज स्टोन एजेट रिजल्ट ऑफ एलिवेटेड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर विच विन इंसेंटिव कॉर्निया अ शेलो एंटीरियर चैम्बर एंड एक्सकेवेटेड ऑप्टिक डिस्क देखिए ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट की आइस के अंदर मौजूद फ्लूइड का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है नॉर्मली आइस में मौजूद फ्लूइड का प्रेशर 8 टू ट्वेंटी वन एम एम एच जी के बीच होना चाहिए अगर ये आठ से इक्कीस एम एम ऑफ एच जी तक प्रेशर आइस का है यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर ये प्रेशर 23 थ्री एम ऑफ एच से ज्यादा होता है तो यह कंडीशन ग्लूकोमा कहलाती है ग्लूकोमा में बेसिकली आइस के अंदर मौजूद फ्लूड की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो जाती है और इसी के कारण आइस का प्रेशर बढ़ जाता है एब्सोल्यूट ग्लूकोमा कंडीशन के अंदर पेशेंट की जो आइस हैं वो स्टोन की तरह हार्ड हो जाती हैं और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है और फिर अचानक से पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो जाती है दिखना बंद हो जाता है एप्सोल्यूट ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर पेशेंट का जो कॉर्निया है वो इनसेंसिटिव हो जाता है एंटीरियर चैम्बर बहुत ही ज़्यादा शैलो हो जाता है और एक्सकेवेटेड ऑप्टिक डिस्क हो जाती है यानी ऑप्टिक डिस्क जो है बाहर की तरफ आ जाती है टेक स्क्रीन शॉट फॉर योर रिविजन क्वेश्चन नंबर इलेवन इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ प्रिवेंटिव मीजर ऑफ टिट्रिटनस नियोनेट्रम आपको बताना है कि टिटनस नियोनेट्रम में किसे हम प्रिवेंटिव मीजर के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते ऑप्शन ए टी टी वैक्सीनेशन ऑप्शन बी फाइव क्लीन रूल ऑप्शन सी टी टी इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज ऑप्शन डी पेनिसिलीन एंटीबायोटिक्स द राइट आंसर इज ऑप्शन डी देखिएगा अगर किसी न्यू बॉर्न बेबी को यानी नियोनेट को टीटी हो जाए टिटनेस हो जाए तो ये कंडीशन टिटनेस नियोनेट्रम के नाम से जानी जाती है और न्यू बेबीज़ में टिटनेस ना हो इस चीज़ की प्रिवेंशन के लिए हम मदर के वुम्ब में जब बेबी होता है यानी प्रेगनेंसी के दौरान ही हम उसे टीटी वैक्सीनेशन दिलाते हैं साथ ही साथ फाइव क्लीन रूल का इस्तेमाल किया जाता है फाइव क्लीन रूल के अंतर्गत ये पांच चीज़ें आती हैं आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सबसे पहले डिलीवरी के समय हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए सेकंड आता है डिलीवरी जिस जगह कंडक्ट की जा रही है वो सरफेस क्लीन होनी चाहिए इसके अलावा कॉर्ड कटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले इक्विपमेंट और कॉर्ड की केयर प्रॉपर होनी चाहिए फिर आता है क्लीन कॉर्ड टाई एंड नो एप्लीकेशन ऑन कॉर्ड स्टंप। हमें कॉर्ड को बिल्कुल क्लीन तरीके से टाई करना है और किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन स्टंप पर नहीं करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व The nurse is preparing to administer blood to a client who requires post-operative blood replacement. The nurse should use blood administration set that has किसी patient में आपको blood transfusion करना है. Blood transfusion के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला set कौन सा हो ये आपको सेलेक्ट करना है. माइक्रोमैश फिल्टर वाला एडमिनिस्ट्रेशन सेट यूज़ करेंगे आप नॉन फिल्टर्ड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट यूज़ करेंगे आप या फिर स्पेशल ल्यूकोसाइट पुअर फिल्टर सेट यूज़ करेंगे आप या फिर माइक्रोड्रिप एडमिनिस्ट्रेशन सेट इस्तेमाल करेंगे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन सेट इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताना है बेसिक बट इंपॉर्टेंट द राइट आंसर इज ऑप्शन वन माइक्रोमैश फिल्टर ऑल ब्लड प्रोडक्ट्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू माइक्रो मैश फिल्टर ब्लड इज नेवर एडमिनिस्टर्ड विदाउट फिल्टर हमेशा याद रखेंगे जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमेशा बीटी सेट के द्वारा ट्रांसफ्यूज किया जाता है और उस बीटी सेट के अंदर माइक्रोमैश फिल्टर लगा होता है किसी भी प्रकार के ब्लड प्रोडक्ट को आप बिना माइक्रोमैश फिल्टर के एडमिनिस्टर नहीं करेंगे इसके अलावा ऑप्शन में बताया गया ल्यूकोसाइट पुअर फिल्टर क्या है ये और इसका क्या उपयोग है इसे भी जान लेते हैं ल्यूकोसाइट्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग ल्यूकोसाइट पुअर फिल्टर्स एंड दिस इज रिकमेंडेड टू डिक्रीज रिएक्शंस इन क्लाइंट सच एज हिमोफीलियाज हु रिक्वायर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन ब्लड इज टू कॉन्सेंट्रेट टू एडमिनिस्ट्रेट माइक्रो माइक्रोड्रिप सेट देखिएगा हीस के पेशेंट जिन्हें बार बार ब्लड देने की आवश्यकता होती है उन पेशेंट्स के अंदर ल्यूकोसाइट को ल्यूकोसाइट का नंबर ना बढ़ जाए इस कारण से ल्यूकोसाइट पुअर फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है ये ल्यूकोसाइट पुअर फिल्टर क्या करता है कि ब्लड में मौजूद ल्यूकोसाइट्स को तो रोक देता है और बाकी सभी ब्लड सेल्स को पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ्यूज़ होने देता है अगर पेशेंट में बार बार ब्लड चढ़ाया जा रहा है और नॉर्मल से ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स चली गई तो ये पेशेंट के लिए सही नहीं होगा सो so, उस सिचुएशन में हम ल्यूकोसाइट पुअर फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा माइक्रो ड्रिप सेट के द्वारा हम पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते बिकॉज इससे बहुत ही कम मात्रा में ब्लड एडमिनिस्टर हो पाएगा या यूं कहें पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन अचलेशिया इज द अचलेशिया क्या है ये आपको बताना है ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन स्वेलविंग यानी फूड को निगलने में दिक्कत होना ऑप्शन बी पेन ऑन स्वेलविंग फूड निगलते समय पेन होना ऑप्शन सी एब्सेंट और इनइफेक्टिव पेरिस्टेलिस ऑफ डिस्टल इसोफेगस इसोफेगस का डिस्टेंट पार्ट में किसी भी प्रकार की पेरिस्टेलिस मूवमेंट का ना होना या फिर ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन चुविंग खाने को चबाते समय दिक्कत आना द राइट आंसर एज ऑप्शन सी एबसेंट और इन इफेक्टिव पैरास्टैलिस ऑफ डिस्टल ईसोफेगस देखिएगा ईसोफेगस जिसे आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं ये ईसोफेगस आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करती है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होलोमस्क्यूलर ऑर्गन है जिसका डायमीटर अराउंड 2.5 सेंटीमीटर होता है इसी ईसोफेगस के थ्रू फूड हमारे माउथ से स्टमक तक आ पाता है अगर किसी पर्सन में इस के के डिस्टल एंड यानी स्टमक पास वाले हिस्से में पेरिस्टेलिस मूवमेंट ना हो पाए तो फूड सब्सटेंस स्टमक तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा और इसी कंडीशन को हम अचलेशिया के नाम से जानते हैं ईसोफेगस के लोअर पार्ट में या यूं कहें स्टमक के पास वाले हिस्से में पेरिस्टिस मूवमेंट का ना हो पाना एचलेशिया कंडीशन कहलाता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टैलिस मूवमेंट वह मूवमेंट है जिसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है इस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के मूवमेंट के कारण एक वेव जनरेट होती है और इसी की वजह से फूड जो है इंटेस्टाइन में आगे की तरफ मूव कर पाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्लाइंट इज एडमिटेड विथ इविंग सार्कोमा विच सिम्टम्स वुड बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू ट्यूमर्स लोकेशन किसी पेशेंट को इविंग सार्कोमा है और इस सार्कोमा की लोकेशन के कारण पेशेंट में कौन सा सिम्टम डेवलप हो सकता है हेमीप्लेजिया अफेशिया नॉजिया बोन पेन द राइट आंसर इज ऑप्शन डी देखिएगा एविंग सार्कोमा जो है ये एक प्रकार का बोन कैंसर है और बोन कैंसर के वजह से पेशेंट की बोन्स के अंदर पेन रहता है सो इविंग सार्कोमा कॉजेस बोन पेन हैमीप्लेजिया का मतलब है हाफ बॉडी में पैरालाइसिस होना अफेजिया का मतलब है इनएबिलिटी टू स्पीक नेक्स्ट क्वेश्चन गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज आपको बताना है कि ग्लूकोमा के मैनेजमेंट का मेन गोल क्या होता है ऑप्शन ए ओनली टू इंक्रीज इनफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर हमें एक्वस ह्यूमर के इनफ्लो को बढ़ाना होता है ऑप्शन बी ओनली टू इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर हमें एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो को बढ़ाना होता है ऑप्शन सी ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेस्यूमर हमें एक्वेस ह्यूमर के प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लूकोमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है आईज की और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लूकोमा डिजीज के अंदर हमें कुछ भी करके आइज में मौजूद एक्वेस ह्यूमर की मात्रा को कम करना होता है ताकि आइज के अंदर प्रेशर कम किया जा सके द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज एम टू डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विच कैन बी अचीव्ड बाय मेडिसिन और सर्जरी बोथ ग्लूकोमा डिजीज़ के इलाज के लिए हमें आइस के प्रेशर यानी इंट्रा इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करना होता है और इसके लिए हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं या फिर दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है ड्रग्स लाइक मियाटिक्स

कैनाल ऑफ इस्लम को ओपन करके आइस के अंदर मौजूद एक्वेस्यूमर को बाहर ड्रेन करवा देती हैं आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन मेडिसिन के बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स ड्रग डिक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ एक्वेस्यूमर फॉर एग्जाम्पल टिमोलोल वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग देखिएगा ग्लूकोमा डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं और किस बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो आप बताएंगे टीमोलॉल इसे हम टॉपिकल फॉर्म में इंस्टॉल करते हैं ये मेडिसिन एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम कर देती है इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी सर्जरी इस्तेमाल की जाती है तो आप बताएंगे ट्रेबिक्यूलो और ट्रेबिक्यूलोटोमी ट्रेबिक्युलो और ट्रेबिक्यूलोटोमी दोनों ही सर्जरी ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने के लिए फॉर नर्स प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेस्ट ऑफ लक